गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लेसन आपका सेकंड जो है व्हाट इफ उसकी पोयम पढ़ी थी और क्वेश्चन आंसर्स दिए थे मैंने आपको। अब जो है पेज नंबर आपका 21 है, उस पर वोकेबुलरी जंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो वोकेबुलरी जंक्शंस में आपके क्या टॉपिक है, होमोनियम्स जिसको बोलते हैं, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, नया टॉपिक है आपके लिए, तो पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं। Read these lines from the poem. What if I am dumb in the school? Dumb को bold letter में लिख रखा है इसमें। What if they have closed the swimming pool? अब यहाँ पे pool को इन्होंने bold letter में दे रखा है। What if I get beat up? What I get sick and die? Everything seems well. What if green hair grows on my chest? What if a bolt of the lightning strikes me? What if my head start getting smaller? ठीक है, लुक एट द वर्ड इन द बोल्ड, सिर्फ जो बोल्ड लेटर है इनको आपको देखना है, ठीक है। दे ऑल हैव द डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ऑल हैव द डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड हाउ दे आर यूज इन अ सेंटेंस। ये जितने भी आपको बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं इनमें सबका अलग अलग मीनिंग है, जो इनका एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं निकलते हैं, कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है। और इनको यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस में किस टाइप से और कहाँ ये यूज हो रहे हैं उस स्थिति को देखते हुए इन्हें यूज किया जाता है। जैसे हम अगर देखें कि डम है ना, फर्स्ट आपको डम दे रखा है, तो डम मीन्स क्या होता है, गूंगा, जो बोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे व्हाट आई एम डम्ब इन द स्कूल, तो यहाँ पे इसका मीनिंग गूंगा नहीं होते हुए क्या होगा, बुद्धू, है ना, जो मूर्ख व्यक्ति रहता है उसको डम्ब बोलते हैं, आर यू डम्ब, ऐसा। तो डम्ब मतलब वो गूंगा नहीं है, उसके लिए बुद्धू है, बुद्धू के लिए। तो ऐसे ही अलग, ये जो एक ही स्पेलिंग्स रहती है और एक ही प्रोनाउंसिएशन रहता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग निकलता है, उसको होमोनियम्स बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। फॉर इंस्टेंस डम हियर मीन्स स्टूपिड, ना डम मतलब यहाँ पे क्या है, स्टूपिड, मूर्ख है। बट इट कैन ऑल्सो रेफर टू समबडी हु कैन नॉट स्पीक, पर डम का असली अर्थ क्या होता है, जो कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, गूंगा होता है, उसको डम बोलते हैं। सिमिलरली पूल हियर रेफर्स टू प्लेस वेयर वी कैन स्विम, अब यहाँ पे पूल का मतलब क्या है, जहां पे हम तैरते हैं, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, जहां पे हम तैरते हैं। बट इट इज ऑल्सो नेम ऑफ द गेम दैट इज सिमिलर टू स्नूकर, है ना, स्नूकर जैसा एक गेम भी होता है जिसको पूल कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एज पर सिचुएशन हमें समझना होता है कि इसका अर्थ क्या है। एक ही स्पेलिंग्स के, एक ही प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग होता है। Then words that have the same spelling and pronunciation but different meaning are known homonyms. ऐसे word जिनकी same spelling और same pronunciation हो लेकिन different meaning निकले, ऐसे words को क्या बोलते हैं, homonyms. Look at the some word, some more such words. कुछ और words बताए इन्होंने, देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट बताया है वर्ड बीट, बीट, बीट का मतलब यहाँ पे पोयम में क्या होता है, हिट समबडी, किसी को मारना। ये बीट में, पोयम में जो है बीट का अर्थ है किसी को मारना, लेकिन अदर मीनिंग क्या क्या निकलते हैं, रिदम ऑफ द पोयम, किसी की रिदम होती है किसी पोयम की, उसको बोलने की जो तरीका होता है उसको बीट बोलते हैं। और डिफीट समबडी, किसी को हराने को भी बीट बोलते हैं। सिक, सिक मतलब कैच एन इलनेस, बीमार हो जाना, जो पोयम में है इसका अर्थ क्या होता है, बीमार हो जाना। लेकिन सिक का और अर्थ क्या होता है, अदर मीनिंग, बी अनॉयड विद समवन और समथिंग, किसी से नाराज हो जाना, इसका मतलब भी सिक होता है। फिर नॉसिटेड, ठीक है, नाराज होने जैसा या फिर एंग्री होने जैसा या फिर ऐसा कुछ फील करना, कुछ अच्छा नहीं लगना, उसको भी सिक बोलते हैं। नेक्स्ट है डाई, डाई मीन्स मर जाना, है ना, मीनिंग ऑफ द पोयम इज स्टॉप लिविंग, मतलब
जीना, रोक देना या मर जाना। लेकिन अदर मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाइस। डाइस जो वर्ब होता है इसका अगर, सॉरी, डाइस जो है आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसका अगर आप प्लूरल बनाओगे तो वो डाय बनेगा, है ना। चेस्ट, चेस्ट का मीनिंग पोयम में क्या हुआ, द एरिया बिटवीन द नेक एंड द स्टमक, गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर का एरिया जो है वो चेस्ट कहलाता है। देन अदर मीनिंग इसका क्या निकलता है, स्ट्रॉन्ग बॉक्स यूज टू स्टोर समथिंग। अदर मीनिंग इसका ये है कि कोई ऐसा पेटी टाइप डिब्बा जिसके अंदर कुछ चीजें स्टोर की जा सके। स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स पोयम के लिए हिट, किसी को मारना। लेकिन अदर सिचुएशन में क्या निकलता है, अ सिचुएशन वेयर द वर्कर्स इन द कंपनी रिफ्यूज टू वर्क टिल देयर डिमांड्स आर मीट। ऐसी कोई कंपनी के अंदर मजदूर जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसी चीज करते हैं जहां पे वो वर्क करना रोक देते हैं जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, उसको स्ट्राइक बोलते हैं, है ना। हिंदी में अगर बोले उसको तो हड़ताल, अलग अलग टाइप की हड़ताल रहती है, भूख हड़ताल या फिर काम ना करने तक की हड़ताल, ऐसे अजीब गरीब तरीके की जो हड़ताल रहती है जो मजदूर लोग अपनी कंपनी के अगेंस्ट में कर देते हैं, तो उसको भी स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, निकलता है असडन मिलिट्री अटैक। अगर मिलिट्री द्वारा किसी पे अटैक किया जा रहा है तो उसको भी स्ट्राइक ही बोलते हैं। डन, हज, हेड, इसमें मीनिंग जो है पोयम में उसका अर्थ है द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द ब्रेन इज, मस्तिष्क जहां पर रहता है वो आपका बॉडी पार्ट, जिसे हम सिर बोलते हैं हेड को, तो यहाँ पे पोयम में सिर के लिए ये मीनिंग दिया हुआ हैड। अदर मीनिंग क्या निकलता है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर किसी व्यक्ति को किसी डिपार्टमेंट का अगर चार्ज बनाया जा रहा है, मुख्य बनाया जा रहा है, तो उसको हेड बोलते हैं। दूसरा मीनिंग निकलता है मूव टूवर्ड्स समथिंग, किसी की तरफ जाना, उसको भी हेड बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, कहीं पर ये सब्जेक्ट के तौर पे काम आता है, कहीं ऑब्जेक्ट के तौर पे, या कहीं पे वर्ब के तौर पे भी काम आता है। एक ही स्पेलिंग रहेगी, एक ही प्रोनाउंसिएशन रहेगा, लेकिन एज पर सिचुएशन इसका यूज जो है, इसका मीनिंग जो है वो अलग निकलेगा। वेल, वेल का मीन्स इस पोयम में क्या है, इन गुड हेल्थ, जब कोई व्यक्ति अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, तो उसे वेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अदर मीनिंग क्या निकलता है, अ होल मैट इन द ग्राउंड टू ड्रॉ वाटर। एक अपन क्या बोलते हैं, कुएं को, जो अपने गांव में कुएं रहते हैं जहां पे पानी रहता है, पानी का जो स्रोत है जहां पे हम पानी भरते हैं, तो उसको भी हम वेल बोलते हैं। अ होल मेड इन द ग्राउंड टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है जमीन के अंदर, उसको भी वेल बोलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग क्या है इसका, इन अ थ्रो मैनर, मैनर के लिए भी, ठीक है, भी यूज होता है ये, सिट वेल या स्टैंडिंग वेल, तो ये मैनर के लिए भी ये शब्द यूज होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक एक शब्द का एक ही प्रोनाउंसिएशन के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, तो ऐसे को हम होमोनियम्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ, ये इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो वो आपको नोट डाउन करनी है।